तो हेलो दोस्तों, स्वागत है को नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में भाई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, न्यू स्टेट मोबाइल के बारे में। क्योंकि तुमको पता है भाई, न्यू स्टेट मोबाइल के अंदर अपडेट वगैरह नहीं आए हैं, लेकिन भाई कुछ अच्छी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रिगार्डिंग न्यू स्टेट मोबाइल। अब इन चीज़ों के बारे में भाई काफ़ी मुश्किल से पता चला है, तो भाई इसलिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही अगर आप न्यू स्टेट से रिलेटेड कंटेंट भी देखना चाहते हो। और आज से काफ़ी टाइम पहले मैंने तुम्हें बता दिया था कि गेम के अंदर भाई 2 महीने तक कुछ भी होने वाला नहीं है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन भाई सच हो गई है। अभी कुछ आया भी नहीं है न्यू स्टेट के अंदर। और भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये देख के भाई जो भी भाई न्यू स्टेट के फ़ैन हैं उनके दिल में भाई दर्द हो रहा है, मेरे भी दिल में दर्द हो रहा है। मेरे दिल में तो भाई ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि भाई हमें भाई ए स्क्वाड से भी बाहर निकाल दिया, जो भी भाई न्यू स्टेट के कंटेंट क्रिएटर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। कंटेंट क्रिएटर को क्यों निकाल दिया, उसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, न्यू स्टेट के इंडियन कंटेंट क्रिएटर जो हैं उनके स्कैम या फिर क्या गलती हुई उस चीज़ के बारे में। तो उस वाली वीडियो में मैं काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ न्यू स्टेट मोबाइल इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। वो वीडियो ज़रूर देखना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेकिन भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि न्यू स्टेट वाले भाई ये जो इन्होंने पुश कर दिया अपडेट को और उसके बाद अपने कंटेंट क्रिएटर भी निकाल दिए हैं, उनकी तरफ से हमें कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी देखने को नहीं मिली है। सिर्फ कुछ इवेंट देखने को मिले हैं जो कि मेरी नज़र में तो अच्छे हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के तुम्हें बता दिया कि वो इवेंट क्यों इतने अच्छे हैं। और अब बात करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ें कर रहे हैं बैक एंड पे, और आने वाले अपडेट में हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं गेम के अंदर फिक्स होने को मिलेंगी। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि न्यू स्टेट क्या बंद हो रहा है। देखो अभी तो ऐसा कोई चांसेस नहीं है, 2025 तक तो फिलहाल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि न्यू स्टेट वगैरह बंद हो रहा है, क्योंकि ये ट्राई भाई मारने वाले हैं। अब ये ट्राई इसलिए भी मारने वाले हैं क्योंकि गेम फॉर पीस के अंदर अब कुछ बहुत ही तगड़े और चमत्कारी जो है भाई अपडेट आने वाले हैं आने वाले टाइम में, उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू स्टेट वाले अभी जो न्यू स्टेट की टीम है वो कर क्या रही है, और बैक एंड पे भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें वो कर रही है जिससे भाई न्यू स्टेट थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूव हो सकता है। अब थोड़ा बहुत मैं इम्प्रूव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये भाई फर्स्ट स्टेप है न्यू स्टेट को एक ग्रोथ वाले रास्ते पर ले जाने के लिए। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भाई न्यू स्टेट की प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये भाई कर रहे हैं सर्वर पर काम, और तुमको पता है कि सर्वर का भाई बुरा हाल है, जब तुम लॉग इन करते हो लॉग आउट करते हो काफ़ी टाइम लेता है, उसके बाद अगर तुम कोई भी दूसरा सर्वर सेलेक्ट करते हो तो भाई पिंग तुम्हें ऐसे दिखाई देता है जैसे तुम्हारा इंटरनेट जो है भाई 1 KBPS की स्पीड दे रहा है, 300 MBPS की स्पीड होने के बावजूद भी। तो इनका काम है भाई सबसे पहले सर्वर को फिक्स करना। अगर ये सर्वर को फिक्स कर लेते हैं तो सर्वर के साथ एक तो तुम्हें एक प्रॉब्लम आती होगी कि जब तुम अपना अकाउंट लॉग इन कर लेते हो और अगले दिन फिर से अकाउंट खोलते हो तो तुम्हारा अकाउंट जो है वो अनलिंक हो जाता है, उसके बाद तुम्हें कई बार पिंग का इशू भी देखने को मिलता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, और गेम जो है ना आधे से ज़्यादा इनका स्मूथ इसलिए नहीं चलता है और फास्ट इसलिए नहीं चलता है, अगर आप मैप डाउनलोड करते हो तो आपको लैग देखने को मिलता है, साथ में अगर आप किसी मैच से एग्जिट होते हो उसके बाद जब आप दोबारा लॉबी ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपको लैग देखने को मिलता है, कई बार आप वो जो स्पिन मारते हो उसके बाद वो वहाँ पे अटक जाता है, हैंग हो जाता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ये है भाई सर्वर की प्रॉब्लम, तो ये फिक्स कर रहे हैं अपने सर्वर को। तो अभी जो हमें अपडेट देखने को मिलेगा उसके अंदर हमें भाई काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ ये भाई खतरनाक इन्फॉर्मेशन है। तो जो तुम्हारे फ्रेंड भी होंगे उनके साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि भाई आप लोगों का जानना जरूरी है कि न्यू स्टेट वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने भाई न्यू स्टेट को भुला दिया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, वो लोग काम कर रहे हैं। इतना महंगा गेम है, इसको वो जो है अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल जो है गेम अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे। अगली चीज़ की बात कर लेते हैं, वो जो है काम कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन पे। तो देखो अभी गेम के अंदर लॉबी के अंदर और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस वगैरह होने वाले हैं, और जिससे भाई गेम का ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाएगा, और अगर गेम का ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा तो तुम लोगों को कई लोगों को शिकायत होती है कि वो गेम फास्ट है न्यू स्टेट स्लो है, तो वो सारी चीज़ें जो है तुम्हें शायद फिक्स देखने को मिले। और बहुत सारे लोगों का भाई इशू भी है कि ग्राफिक इसके ऐसे हैं हमें एनिमी वगैरह स्पॉट वगैरह नहीं होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम है, तो ये भाई उस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कि ये जो ये काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें भाई इसी वाले अपडेट में फिक्स होने वाली हैं कि इसमें अभी थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा, लेकिन भाई वो ऑप्टिमाइजेशन पर उनकी टीम भाई काम कर रही है क्योंकि इन्होंने अपडेट भी पुश कर दिए हैं, और वो भाई अपना जितना भी टाइम है वो अपडेट देने से अच्छा अपने गेम को इम्प्रूव करने में लगा रहे हैं। अगली चीज़ की बात कर लेते हैं जिससे भाई बहुत सारे लोग परेशान हैं, और अगर ये चीज़ गेम के अंदर बहुत ज़्यादा होती है तो भाई गेम के एल लग जाते हैं, पबजी मोबाइल लाइट के एल लगे हुए हैं, इस गेम के भी लग जाएंगे अगर ये चीज़ें फिक्स नहीं हुई। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो भाई एंटी चीट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन भाई 100% सही है। अभी एंटी चीट सिस्टम के ऊपर ऐसा काम कर रहे हैं कि जो भाई एक बार बैन हो गया वो भाई बैन हो गया, क्योंकि अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि अगर आप किसी को बैन कर देते हो तो वो कुछ ही दिन के लिए बैन होता है, उसके बाद वो वापस आ जाता है। मुझे ऐसा अगर इंटरनली लगता है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि उनके पास प्लेयर इतने नहीं है कि ताकि वो यार किसी को परमानेंटली हटा दे, उनको कोई फ़र्क ना पड़े तो आना खेलना खेल हो सकता है, या फिर इनके
उनके सर्वर के अंदर ही कुछ चीज़ ऐसी है जो कि भाई उनका बैन जो है वो हटा देती है, उनको भी इनको भाई फिक्स करना पड़ेगा। वो एंटी चीट सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, फ्यूचर में जो भी एंटी चीट सिस्टम काम आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिस्टम भाई तबाही मचाने वाला है, वो ऐसा नहीं आएगा, उसमें थोड़ा बहुत तुमको जो है एडजस्टमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। जो भी हैकर्स वगैरह हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत जो है अच्छी तुम्हें न्यू स्टेट की पकड़ देखने को मिलेगी। 100% बैन होने वाला जो सिस्टम है ना खतरनाक एंटी चीट सिस्टम जैसे BGMI के अंदर, उस तक जाने में इनको टाइम लगेगा। ये वाला गेम जो है ना यार, इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यार ये पबजी मोबाइल या BGMI से थोड़ा अलग गेम है, अलग इंजन पे बना है, तो इसलिए भाई इसको टाइम तो लगेगा। क्योंकि इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें वॉरजोन का बताता हूँ। वॉरजोन का अपना इंजन है, इसलिए उनके गेम में भाई इतनी सारी दिक्कत आ रही। इन्होंने भी एक नए इंजन पे गेम ट्राई किया और अच्छा गेम बनाने की कोशिश करी है, नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करी है। अब ये लोग भाई टीम इतनी है नहीं कि वो टेक्नोलॉजी पे काम करे या फिर गेम के ऑप्टिमाइजेशन पे काम करे, तो भाई ऐसी गेम्स के लिए मेरे हिसाब से मैं पर्सनली बोलूँ तो बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं तो भाई अच्छी बात है, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो यार देखो हम लोगों को भी न्यू स्टेट को करना पड़ेगा। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है भाई रैंक और RP इंप्रूवमेंट। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैं अब मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरी बात हुई है लेकिन यार मैं मतलब किस चीज़ की मेरे को कंफर्मेशन नहीं है कि जो सीज़न पास का सिस्टम है और रैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर शायद हमें चेंजेस वगैरह देखने को मिले आने वाले टाइम के अंदर। तो भाई वो भी ये लोग कर रहे हैं बैकएंड पे, अभी जब वो आएगा तभी बता पाऊंगा उसके बारे में मैं पूरी डिटेल, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि भाई ऐसी भी चीज़ें जो है हो रही है। तो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है भाई इनका जो गेम का जो थीम है उसमें भी भाई फ्यूचर में काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह हमको देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं भाई वो चेंजेस वगैरह कब तक होने वाले हैं। तो यही थी आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन, आई होप सो तुमको पसंद आई होगी। क्या तुम अभी भी न्यू स्टेट मोबाइल खेल रहे हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।